होती है तुम्हारे समाज में कोई है, समाज कोई बता सकता है? जैविक समाज इतना बड़ा है इस गुजरात के अंदर, कोई एक मंत्री, एक एमएलए, एक एमपी है कहीं इसमें जाके? कोई नीचे की अवस्था में बैठा है कि स्पेशल सीट है, एक तलबदा नहीं है जो उसमें, ना कोई लसनिया में, ना कोई गुजरिया में, ना कोई सब्जी वालों में, ना तलबदा में, एक नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, क्यों नहीं है? 10 घर यहाँ बना दिए, 50 वहाँ, अपनी अपनी मस्ती में मस्ती, धंधा कर रहे उल्टा सीधा। अरे भाई यह समाज है, एकजुट करो। यहाँ वैल्यू है 1% चौधरी है, तुमसे तो चौथा हिस्सा भी नहीं है, और वो हथरे का शंकर सिंह दाब के टिकट लेता है, कोई नहीं काट सकता। और तुम क्यों नहीं, तुम कहाँ पड़े हो, कब तक पड़े रहोगे? कोई नहीं पूछो, सारे जीवन पड़े रहो, कोई भी नहीं पूछेगा, किसी को किसी की नहीं पड़ी। समाज के सभी व्यक्तियों की जरूरत है एकजुट हो, अपने समाज को समर्थ बनाए, श्रेष्ठ बनाए, बच्चों को दिशा देना सिखाए, और अपने अपने ही समाज में से किसी व्यक्ति को आगे करके और इन बच्चों का निर्माण करें, एजुकेशन सब कुछ से इन्हें लाभ दिलवाएं, जितने सरकार के सभी लाभों से इन्हें वंचित ना रखें। और ये समाज के कार्य होते हैं और ये करने चाहिए, ये बहुत बड़ा देवी पूजक समाज साधारण नहीं है। कोई गाँव, कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसमें दुनिया भर का समाज पड़ा होगा, लेकिन दिशा कैसी बिगाड़ रखी है, इस कारण से क्योंकि आगवानी कोई नहीं करता पूरे समाज की, साइड में छोड़ देते हैं। मैं आगे निकला तो मैं अपनी मस्ती में हूँ, दूसरा अपना पड़ा रहो कहीं, ये सबसे बड़ी कमी है। एक व्यक्ति आगे बढ़े तो वो सारे भाइयों को लेके आगे शिक्षा की तरफ बढ़ाए, दूसरे तरफ और क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पोटली बेचेंगे भाई, और क्या करेंगे बताओ, अब इसमें क्या करोगे? तो कहते थे डीसी मैंने नड़ियाद में बहुत, मेरे काफी शिष्य बहुत, अब तो छुड़वा दिया बहुत उसे, तो कहते थे डीएसपी भी नहीं कमाता बाबू जितना हम कमा लेते। अरे तो ये कमाई कैसी है तेरे बच्चों के, तू क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति कहे कि तेरे घर को खटखटाएगा आधी रात को भी, कौन कैसा आ रहा है, तेरे बच्चे किस अवस्था में है, तेरे बच्चे क्या सीखेंगे, ये तुझे पता है? ये भान है, ये उधर भरने के लिए तो तू पैसा चलो इकट्ठा कर लेगा, तुझे ये पता है किन किन व्यक्तियों के दर्शन करा, कौन सा सभ्य व्यक्ति आके तेरा दरवाजा खटखटाएगा? यार इसके पीछे के नेगेटिव पॉइंट भी तो जो देखो, तो बहुत जिनकी समझ आती है वो दूर भी हटते हैं और समाज का चिंतन भी करते हैं। बस मेरी दैविक पूजों की समाज से ये प्रार्थना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाथ मंत्रों से जुड़े हुए जोगिन पुत्र हैं, और जितनी भी जोगिन है 9,84,64 जोगिन, ये हमारे आदर्श नाथ परंपरा की है। इसलिए मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ, अपने समाज का नेतृत्व करो, और जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो एजुकेशन में या ऑफिसर हैं, उनसे बड़ा अनुरोध है कि समाज में दया करें यार, और अपने समाज के अनभिज्ञ बेचारे भोले वाले लोगों को एक करके इन्हें दिशा दें, श्रेष्ठ समाज बने, आदर्शवान हमारे बच्चे बने, और जो हमारे पद अभी गुजरात में खाली है वो पूरे भरें, ऐसा कुछ करें और हम पूरा लाभ लें।